देखिए, कृष्णा सफाई अपार्टमेंट है और ये सुबह 5:15-5:30 के लगभग एक सूचना मिली थी UP 112 को कि यहाँ की 8वीं मंजिल से दो लेडीज एक पुरुष ने छलांग लगाई है। पुलिस तत्काल यहाँ पर पहुँची और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचे और एक लेडी उसमें घायल थी जिसकी बाद में इलाज के दौरान डेथ हो गई। फ्लैट खोलकर देखा गया तो उसके अंदर दो बच्चे और बेड पर मृत पाए गए और एक सुसाइड नोट इन्होंने दीवार पर लिखा है, एक कागज़ भी उसमें मिला है चिपका हुआ और कुछ पैसे भी चिपके हुए मिले हैं दीवार पर टेप से। उसमें ये लिखा है कि ये सब हम सुसाइड खुद कर रहे हैं और इसे इन पैसों से हमारा क्रियाक्रम कर दिया जाए। कुछ आर्थिक कारण प्रथम दृष्टया इसमें आया है। इनके भाई को सूचित किया गया जो झिलमिल कॉलोनी दिल्ली में रहते हैं, वो आ जाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, वो उसमें एक राकेश वर्मा नाम के व्यक्ति का लिखा नाम है और उसमें कुछ चेक्स वैक्स का भी है कि उसके द्वारा दिए गए थे, लेकिन अभी सारी चीज़ें, क्योंकि कोई परिवार का सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है और इनके भाई आ जाएंगे तो सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट होंगी। जो कागजात मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ जीन्स का व्यापार करते थे, लेकिन वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। सर, बच्चों की क्या उम्र रही होगी, किस तरीके से उनके हुए? देखिए, बच्चे एक जो बेटा है उसकी उम्र लगभग 13-14 साल होगी और 10-11 साल की बेटी है। गला दबा के पहले उन्हें हत्या की गला दबाया गया है उनका और बाद में ये जो लड़का है उसकी गर्दन पर चाकू का भी निशान है। महिला की भी मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों महिलाएं जो हैं सर, इनका क्या रिश्ता है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता क्या रिश्ता है, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है सोसाइटी में जो बताया गया है वो बताया गया ये दोनों उनकी पत्नियाँ थीं, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं और परिजन आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, क्या सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदारी ठहराया गया है, किसका नाम लिखा है? देखिए, कुछ लोगों का नाम उसमें लिखा हुआ है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और जब परिजन आ जाएंगे तो बाकी कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, किस कंपनी से 5 लोगों की मौत हो गई? ये कुछ अभी हमें नहीं पता है। सर, 5 लोगों की मौत? हाँ, 5 की मौत हो गई।